नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। भोपाल स्वास्थ्य शिविर आयोजन, वार्ड वासियों को हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आरिफ मसूद फैंस क्लब के सदस्य जावेद मंसूरी द्वारा वार्ड 42 में बीमारियों के मुफ्त इलाज हेतु एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से आँख, नाक, दांत सहित अन्य मौसमी बीमारियों का वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मुफ्त इलाज किया गया तथा दवाई भी वितरित की गई। आयोजित किए गए एक दिवसीय शिविर में कोरोना की समस्त गाइडलाइन को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया गया। इस अवसर पर जावेद मंसूरी ने बताया कि मैं क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद से प्रेरित होकर बिना किसी भेदभाव के समाज सेवा कर रहा हूं तथा मेरा मकसद भी यही है कि मैं निरंतर समाज की भलाई के लिए काम करता रहूँ। भोपाल से संवाददाता मुकेश सरवैया की रिपोर्ट। आज हमने निःशुल्क शिविर कैंप लगाया है जिसमें आँखों का और दांतों का चेकअप होगा और दवाइयाँ। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये सब? मैं पूरी जो ट्रैक पे चल रहा हूँ, ये सब मैं आरिफ मसूद साहब के ट्रैक पे चल रहा हूँ। जैसे आरिफ मसूद साहब ने कभी भी किसी धर्म के प्रति वो सारे धर्मों को एक करके अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे उन्हें संजीवनी क्लिनिक हुई और लगातार जब विधायक नहीं थे जब भी 5 साल कंटिन्यू लोगों के बीच रहे, लोगों का समस्या समझ रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे, कार्य करते रहे, उनसे प्रेरित होकर और वो मेरे आइडिया ने उनको देखकर मैंने जो है वह उन्हीं के ट्रैक पे चल रहा। लगभग कितने लोग अभी दिखा चुके हैं यहाँ पर? अभी तकरीबन सुबह से 200 लोग आ चुके हैं और लगातार आप देख रहे हैं भीड़ है। आगे भी ऐसे कैंप लगाएंगे? देखिए, मेरा मकसद ही है सेवा करना, जनता की सेवा के लिए मैं सारी जिंदगी ऐसे काम करता हूँ। और जनता ने अगर मौका दिया तो? जनता ने मौका दिया तो अच्छी बात है, नहीं देती तो भी मैं सेवा करूँगा, देती है तो ठीक है। मेरा नाम शेख तैयार, मेरी जो संस्था है कायनात ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी। अभी हमारे जावेद भाई ने मुझे फोन किया था कि यहाँ भाई यहाँ पे कैंप लगाने हैं, हमारे यहाँ पे बाद में बहुत परेशान है, तो इसको देखते हुए मैंने ये कैंप आयोजित किया हुआ है। हमारे जावेद भाई जो पार्सल के लिए खड़े हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपनी जनता को देख के ये कैंप लगवाया है और वो जनता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत समस्याएं उन्होंने सोल्व की हैं जावेद भाई ने हमारे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि जावेद फैयाज भाई एक कैंप लगा दो, तो इसको देखते हुए मैंने कैंप लगाया यहाँ पर। आगे दो एक कैंप और लगाने का चल रहा है मेरा। इसी तरह से मैंने समथिंग 1000 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं और लॉकडाउन से अब तक मैंने कम से कम 500 लोगों का ऑपरेशन भी करवाया है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। हम ये चाहते हैं कि लोगों की सेवा करते रहें। अभी आज सुबह से कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं? सर, यहाँ से अभी तक 200 लोग आ चुके हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, अभी और आएंगे लोग तो उनका सबका चेकअप करके ही जाएंगे। इस पूरे कैंप में किस तरीके की वैरायटी? आजा यार। सर, सबसे पहले तो आँखों की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोविड की वजह से लोग अपना चेकअप नहीं करवा पा रहे थे। इससे पहले मैंने कोविड पे काम किया हुआ था तो मैंने जहांगीराबाद क्षेत्र मुझे मिला था काम करने के लिए, तो तब देखा था मैंने तो लोग बहुत डरे हुए थे कोरोना की वजह से, मतलब डॉक्टर को देख के लोग अपना चेकअप नहीं करवा पा रहे थे। इसको देखते हुए मैंने 2-3 कैंप अभी जहांगीराबाद क्षेत्र में किए हुए हैं, आगे और मैं करूँगा। और आँखों का फ्री आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री ऑपरेशन भी करवाया जाएगा और डेंटिस्ट का भी कैंप रखा हुआ है हमने, बढ़िया तरीके से हम लोग काम करेंगे सर। जी, आप यहाँ पर आए हैं किस चीज़ की समस्या को लेकर यहाँ दिखाने आए? सर, आँखों में जो मतलब कि हमारी एलर्जी कमजोरी होती है उसको दिखाने के लिए आए हैं। दांतों का भी ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा है, तो जावेद भाई की ओर से बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब वो हुआ है इंतज़ाम जिसकी वजह से हम लोग है ना अपनी जाँचें करा सकते हैं फ्री, वरना है ना हॉस्पिटलों में आपको पता है कोरोना की वजह से कोई काम हो नहीं रहा है और कोरोना पॉजिटिव के क्या हमें डराया और जाता है, तो ही घबराए हुए लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और काफ़ी महिलाओं के लिए जिस मतलब नज़रिए से उनको ने देखा है वो तो किसी ने नहीं देखा आज कि महिलाओं को बच्चों को वो एक रोज़गार बना दे रहे हैं और कुछ काम सिखा रहे हैं, कारोबार सिखा रहे हैं कि कैसे गरीब घर की स्त्रियाँ ना अपने घरों में या सिलाई सेंटर में आके काम करें। वो हर तरह का रोज़गार दे रहे हैं, सिलाई सेंटर से लेकर सिलाई सिखवा रहे हैं, मेहंदी सिखवा रहे हैं, ब्यूटिशियन सिखवा रहे हैं, कंप्यूटर सिखवा रहे हैं। अशिक्षित महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी पार्षद हैं वो अगर इस तरह का काम करते तो आज भोपाल वाकई में अच्छी सिटी में काउंट होता। लेकिन भोपाल को मतलब जो रास्तों की भी परवाह नहीं है, जो पार्षद बैठ गए हैं पैसा लेके, सिर्फ अपनी ही राहत का काम कर रहे हैं, बाकी किसी की उनको
किसी तरह की भी नागरिक को भी तो किसी को भी मतलब परवाह नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, किस जगह मतलब इन लोगों को ले जाकर हमें क्या इस्तेमाल करवाएं, कि हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, उस सब चीज़ों से बिल्कुल वो अपरिचित हैं। ऐसा लगता है कि वो तो बस बैठ गए पार्षद ही का टिकट लेकर, पार्षद बनकर इस तरीके के कैंप और लगने चाहिए क्या? बिल्कुल लगना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए, जहाँ पर बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये सुविधाएं मिलना ही चाहिए। ठीक, आप देख रहे हैं कि जावेद भाई की तरफ से, वालिद साहब की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा, उसमें जो चार छत अच्छे निकल आएंगे, बहुत सारी दुआएं लग रही हैं और हम लोग भी दिल से दुआएं देंगे, क्योंकि अगर हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो ऊपर वाला करे, हम ऐसे ही पार्षद हमें मिले और ऐसे ही पार्षद हम बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।